चलो हाय करो जल्दी से, हाय करो, हाय, क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी मान फातिमा। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह पाक आप सबको अच्छा रखे। वेलकम एट द व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और हैप्पी संडे। सर सांस ले भी दूँगी। फाइनली मैंने बताया था आप लोगों को जैसे कि आज संडे हैं और आज हम लोग सुबह 9 बजे के मैंने उठ के अपने सारे काम जो है वाइंड अप कर लिए हैं। जो रहता है सिर्फ वो ये रहता है, मैंने रेडी होना और रेडी करना है। जिस दिन मैं सबको रेडी करती हूँ उस दिन मैं रह जाती हूँ। तो मैंने आज तहिया किया है कि क्यों ना आज मैं सबसे पहले रेडी हो जाऊँ तो मज़ा आ जाए। मेरे साथ कल के ब्लॉग आपने देखा होगा, मेरे साथ एक टेंशन बन गई थी। वो टेंशन ये है कि मैंने पहनना था ब्लैक, ठीक है। एक मिनट, पहले आप लोगों को बता दूँ आज है क्या। चले, 2 दिन से 3 दिन से आप लोगों के साथ रात रखा हुआ था, सोचा क्यों ना आज बताते हैं। आज फाइनली फाइनली मेरी नहीं भाई की मम्मी है, आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सब भाई की इंगेजमेंट है। और कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मेरी है मेरी है, जैसे जैसे मैंने तैयारी दिखाई वैसे वैसे। भाई भाई की शादी में आप लोग तैयारी ना करो ये हो ही नहीं सकता, वो भी मैं। वेल, आज भाई की वो है मंगनी है और कंबाइन हो रही है, मीन्स के लड़का लड़की साथ ही बैठेंगे। हॉल हमने बुक करवा दिया, सब कुछ है, सिर्फ रह गया है थोड़े बहुत कमरे तो वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। और सुबह सबसे उठे मैंने नाश्ता शास्ता सब कुछ कर लिया, बस रेडी होने और फिर इंशाल्लाह रात आने। उसके बाद साथ मेरे साथ टेंशन ये हुई कि मैंने जो अपने बनाए जो कपड़े ऑनलाइन स्टिच यानी कि मैंने करवाया था, तो वो मैंने करवाया था ब्लैक, क्योंकि हमारी आज की जो थी वो ब्लैक थी। अब ये हुआ कि जो ब्लैक था वो ब्लैक नहीं आया, वो ब्लू आ गया, जिससे मेरी इतनी बहस हुई उस औरत से, मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद जी उसके बाद फिर मैंने आपसे को कहा कि तुम अपना कोई ब्लैक अरेंज कर दो, वहाँ पर टेंशन बन गई कि वहाँ पर भी उसके पास ब्लैक मिलने का। फिर भाई टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन मेरी बनी कि मैं पहनूँ क्या। मैं ब्लैक के साथ सारी मैचिंग की ज्वेलरी ले आई, सब कुछ ले आई। और उसके बाद फिर मैंने अपना नील पेंट ये लगा लिया कि चलो ये वाला नील पेंट हर किसके साथ चल जाएगा। फिलहाल फिर शुक्र मुझे गुडनेस मिले कि ब्लैक जो है वो अरेंज हो जाएगा। और फिलहाल मैंने अपने 3 एक्स्ट्रा सूट ऑलरेडी प्रेस कर दिए कि अगर कुछ ये कमी पेशी हो जाए तो मन ये मन टाइम में वक्त ना पड़े। फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। महनूर ने लगाई हुई है सर पर थोड़ी सी मेहंदी, क्योंकि उसको हम डाई वगैरह लगा, उसको ना बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइट वाला है ज़ुकाम की वजह से, पता नहीं किसके। तो जब हम उनकी वन होता है ना थोड़े से कवर अप कर देते क्योंकि ऑलरेडी उसने बाल खोलने आता है। वह तैयारी शारी करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को तैयार शार होकर। तो बने रहिए, वेट वेट वेट, इतना अच्छा व्लॉग देखने के लिए, इतना अच्छा व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं करना तो क्या फ़ायदा यार। सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ठोक दो और व्लॉग मैं शेयर करो। फाइनली मैं कहीं जगह भी नहीं बैठ गई आज, पता नहीं धूप चुभ रही। हालांकि कल मैं इतनी देर बैठी मुझे बड़ा सुकून मिला और आज मुझे धूप ऐसे चुभ रही है जैसे पता नहीं क्या। फिलहाल नेल पेंट मैंने सोचा कि चेंज कर लूँ, ये बहुत लाइट है और कुछ भी अपना नहीं करवाया मैंने, शेडी पैडी कुछ भी नहीं हो सका। पॉलर वाली होके भी पॉलर वाली वाले के काम ही नहीं है इसके पास। फिलहाल जो भी होगा बस दुआ कीजिएगा, अच्छे से विशेष दीजिएगा भाई भाभी को और दिखा तो सकते नहीं, भाई का विजिट मैं करवा दूँगी। सो बने रहिए, ये व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला, बहुत मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें भाई, ताकि मेरे इतने मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग आप तक आते रहे। अच्छा जी, फाइनली जो मैंने नील पेंट लगाया था ना वो ये वाला था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड आ रहा है, इसमें मैंने थोड़ा शिमर ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने ये नील पर्स यहाँ पे छुपा के रखे हैं महनूर बीबी से, क्योंकि महनूर सारे ख़राब करते हैं। अब मेरा दिल ये है अगर ये लगाती हूँ तो ये हर किसी के साथ मैच हो जाएगा, लेकिन ये ब्लू के साथ नहीं होगा और ब्लैक एंड रेड के साथ भी हो जाएगा और एक मेहरून है उसके साथ भी होगा। ये लगाते हैं अपना, अब खत्म होता है जी। फाइनली महनूर का शेड देखे माशाल्लाह कितना प्यारा है, मैं इसको घर में रेडी करी, शायद मैं खुद कहीं जाऊँ या देखूँ। और फाइनली इसके कल्स हो चुके हैं, मैंने इसके कल्स किए हैं ये देखें। अरे वहाँ कंप्लीट रेडी होगी, अब इसने कपड़े चेंज करने हैं। उसके कल्स मुझे इतने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं, इस पर बहुत सूट कर रहे हैं। मैंने पहले जल्दी इसके कल्स कर दिए और उसके बाद में जो है वो कपड़े वगैरह चेंज कर रेडी करवा दिए।
ये अभी फ़िलहाल मेरी रूम की हालत हो गई, मेरा ड्रेस है आपकी कहाँ सा अपने ब्लैक थीम करने, और यहाँ भी जो है वो आपकी की सारी ये रूम की हालत हुई, और ये हमारा टेबल का हस्टल, ड्रेसिंग टेबल का हस्टल। जब मैं मेकअप करती हूँ ना किसी का तो यही हाल हो जाता है। वह खुद जल्दी से रेडी सारे चार हो जाओ, सारे छः का मैं टाइम। ये देखिए फाइनली महनूर ने अपना ड्रेस पहन लिया, इसकी मैक्सी है और अभी हम इसकी लुक चेंज करेंगे। यहाँ जी हमारी महनूर रेडी हो चुकी है, और महनूर यहाँ देखें, यहाँ देखो, ये देखिए इसकी फाइनल लुक, मैंने इसको रेडी कर दिया है। ये इसकी मैक्सी, फाइनली जी मैं भी रेडी हो चुकी ही है, मेरा कम्प्लीट है, मजा दिखाऊंगी आप लोगों को मैंने आज क्या। चलिए अदनान जो रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह से ना। इधर देखो दूल्हे का भाई का हमेशा ये काम होते, हमारे जो है वो दूल्हा रेडी हो चुका है, और ये सारे माशाल्लाह से, ये हमारे दूल्हा है बीच वाले, और ये सारे भाई कजन से माशाल्लाह से, माशाल्लाह कमेंट में माशाल्लाह लिखना होगा। चलो हाय करो, जल्दी से हाय करो, हाय, क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो। मामा 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 भागी, देखो भागी भागी। फाइनली सब कुछ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, लाल भी ला दो, ज्यादा मजा नहीं है। फाइनली जी सारा अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा चर्चा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये है मेरे गजरे, मेरी फाइनल लुक आप लोग देख नहीं सके, इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और अभी फ्लावर पास हो चुकी है और लाइटें उठ चुकी है, अब घर जाएंगे और ब्लॉग अपना एंड करते हैं। ये है महा जो अभी घर पहुँची है, लेकिन प्यारी लग रही थी ना माशाल्लाह, लेकिन इसका आज मूड ऑफ थोड़ा सा है, चलो कोई नहीं हो जाएगा सेट, है ना जान। फाइनली फाइनली जिसकी बर्थडे है उसका केक भी कटेगा, 18 दिसंबर जो है भाई की बर्थडे भी है मेरे जीजू की, और 18 दिसंबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल कज़न से भाई की बात पक्की हो चुकी है, और इंगेजमेंट डन हो चुकी है। वे लोग ज़्यादा शूट नहीं कर सके इसके साथ, बट अब केक काटने और इन्जॉय करते हैं।